वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 जून 2023, और 23 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, और भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्ति दी गई, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ तीन से लास्ट 3 से 4 दिनों के बीच में आपको ये करंट की क्लास सुबह लगभग 7 बजे के लगभग यहाँ पर टाइम कर आपको क्लास मिलती थी, लेकिन अब आपको फिर से एक बार कंटिन्यू क्लास सुबह 6 बजे आपको लाइव क्लास है मिलेगी पूरी लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भी, और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें, सबसे पहले हम जो परसों के हमने जो करंट पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल आपको किसी कारणवश क्लास नहीं मिली थी, लेकिन अब आपको कंटिन्यू क्लास है मिलेगी। देखिए, हाल ही में अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनेगी, तो वो बन चुकी है नुसरत चौधरी। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया रवि सिन्हा को। और इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल चैंपियन कौन बने हैं, तो वह है सत्विक कसीराज रैंकी रेड्डी और ये हैं चिराग सेट्टी। इजिप्ट ने किस देश को हराकर SDAT WSF स्क्वैश विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो वो रहा है मलेशिया को। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस भारतीय मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया गया, तो ये गाया है फालू के साथ। तो ध्यान रखना, जो पिछली बार जो ग्रैमी पुरस्कार मिला था ना, वो मिला था रिकी केज को। ठीक है, किसको मिला था? रिकी केज को मिला था, लेकिन ये पहले वाला है। तो ये पहले, ये क्या है, एक भारतीय मूल की ग्रैमी पुरस्कार विजेता है जिसका नाम है फालू, इसके साथ एक विशेष गीत गाया है, क्योंकि पहले इसको मिला, बाद में रिकी केज को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो वो आपको पता है, कल 21 परसों 21 जून को मनाया गया था। तो ये थे कल के क्वेश्चनों, परसों के क्वेश्चनों को हमने रिवाइज कर लिया है। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने 19 जून को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये भारतीय तलवारबाज है। तस्वीर आप देख सकते हो, ये है भवानी देवी, और ये इन्होंने 19 जून को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है, और ये तस्वीर आप बड़ी गौर से आप देख सकते हो, ये है भारतीय तलवारबाज भवानी देवी। देखो, भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने 19 जून को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में महिला सेबर स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार झेलने के बावजूद कांस्य पदक जीत लिया है। यानी कि भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में महिला सेबर स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार चुकी है, और हारने के बावजूद भी उन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ये देश के लिए अब तक का पहला मेडल इन्होंने जीता है। ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि देश के लिए अब तक का पहला मेडल किसने जीता, तो ये तलवारबाज है भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता है। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस व्यक्ति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किस व्यक्ति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, तो ये WHO के यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, तो ये ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, और इनको WHO के अध्यक्ष महानिदेशक को सम्मानित इन्होंने किया है, तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। यह सम्मान डॉक्टर टेड्रोस को COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी ओलंपिक खेलों टोक्यो 2020 को संभव बनाने में उनके प्रेरणादायक प्रयासों के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये सम्मान है जो COVID-19 महामारी से उत्पन्न है, जो COVID-19 जितनी भी समस्याएं आई थी उनसे चुनौतियों से निपटने के लिए गया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, और उनको प्रेरणादायक प्रयासों के लिए उनको ये सम्मान है दिया गया। किसके द्वारा? तो ये ओलंपिक ऑर्डर से इनको सम्मानित किया
दिया है, ठीक है, किसको, ये WHO के महानिदेशक डॉक्टर है टेड्रोस गेब्रेसस को। किस देश ने साइलेंट बार्कर बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है चाइना देश ने। किसने बनाया है? चीन देश ने बनाया है। देखो, चीन ने 41 उपग्रहों के साथ लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट लॉन्च किया। अब ये नाम ध्यान रखना, भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ये इतना नाम आपको याद रखना है, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये 41 उपग्रहों के साथ चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। एक ही मिशन में सबसे अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो एक ही मिशन के अंदर क्या है, अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का नया रिकॉर्ड किसने बना दिया? चाइना देश ने बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में आपको पता है भारत के जो 25वें गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अब भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, ऑप्शन नंबर बी, कौन बन चुके हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन, ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर है बन चुके हैं। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है स्वामीनाथन जानकी रमन। देखो, भारत सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। जानकी रमन की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है और वह महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हुआ है। तो 22 जून यानी कि कल इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। कौन है? महेश कुमार जैन, ये पहले डिप्टी गवर्नर थे, अब न्यू गवर्नर कौन बन चुके हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2023, ये किस देश में शुरू हुआ है? ये हुआ है मंगोलिया में और इसके अंदर भारतीय सेना ने भी भाग लिया है, ठीक है, किसने भाग लिया है? अपनी जो भारतीय नौसेना है उन्होंने इसके अंदर भाग दिया है। कहां पर शुरू हुआ है ये? मंगोलिया के अंदर। देखो, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान इक्वेस्ट 2023 मंगोलिया में शुरू हो गया जिसमें 20 से अधिक देशों के सैन्य दल और पर्यवेक्षक इसमें शामिल है। ये मंगोलियाई सशस्त्र बल यानी कि MAF और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित अभ्यास है और प्रतिष्ठित गढ़वाल राइफल के एक दल द्वारा अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। यानी कि जो ये बहुराष्ट्रीय स्थापना जो अभ्यास है ये मंगोलिया में शुरू हुआ है और इसके अंदर अपनी भारतीय जो सेना है वो भी इसके अंदर भाग ले रही है। किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो ये किया है मीनाक्षी लेखी ने, ऑप्शन नंबर एक, किसने किया है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन इन्होंने किया है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी भारत की विविध भाषाओं द्वारा बुने गए सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम किया है इन्होंने और पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य भाषाई विरासत की सराहना और संरक्षण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। तो इतना याद ही रखना है आपको, जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंदर क्या है कि हमारी भाषा और हमारी विरासत, तो इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया? ये किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो वह योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जो सभी जेल है अपने राज्य के अंदर उनका नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। देखो, उत्तर प्रदेश की जेलों को अब सुधार गृह के नाम से नए नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नया कार्यकार अधिनियम तैयार करने का निर्देश दिया है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जेलों को अब सुधार गृह के नाम नए नाम से जाना जाएगा। किस लेखिका ने अपनी पुस्तक
आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है। किस लेखिका ने अपनी पुस्तक आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता, और ये है किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर बी किसकी है? अरुंधति रॉय एक लेखिका है और उनकी पुस्तक है आजादी के लिए, आजादी, ठीक है, आजादी उनकी पुस्तक है और इस आजादी के लिए उन्होंने 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार है जीता है। किसकी पुस्तक है ये? अरुंधति रॉय की। देखो, लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय को उनके नवीनतम निबंध आजादी के फ्रांसीसी अनुवाद के अवसर पर आजीवन उपलब्धि के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 गोलमेज सम्मेलन में 11 सितंबर को आयोजित होने वाले एक समारोह के अंदर अरुंधति रॉय नागरिकता और पहचान, पर्यावरण और वैश्वीकरण, जाति और भाषा पर चर्चा करेगी। तो सितंबर के अंदर क्या है, 11 सितंबर को गोलमेज के अंदर, गोलमेज सम्मेलन होगा 2023 के अंदर, तो वहां पर ये इस यूरोपीय निबंध पुरस्कार के अंदर इसकी चर्चा की जाएगी। कौन सी है ये? आजादी इनकी पुस्तक है जिसके लिए उन्होंने 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है? किस व्यक्ति ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता, और ये जीता है सलमान रुश्दी ने। ऑप्शन नंबर ए किसने जीता है? सलमान रुश्दी ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, इसका करेक्ट आंसर। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रुश्दी को उनकी अदम्य भावना के लिए और जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए उनको ये अवार्ड इनको दिया गया। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसको दिया गया? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। किस देश की संसद ने पेटेरी ओरपो को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? यहाँ पर किस देश की संसद आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा किस देश की संसद ने पेटेरी ओरपो को देश का नया प्रधानमंत्री चुना, ये चुना है फिनलैंड की संसद ने। ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये है फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री जिनका नाम है पेटेरी ओरपो, ठीक है, पेटेरी ओरपो, और ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखो, फिनलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेटेरी ओरपो को संसद ने देश का नया प्रधानमंत्री चुना है और ओरपो एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व वह करेंगे। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है कि फिनलैंड है, फिनलैंड के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के नेता कौन है? पेटेरी ओरपो को इस फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना और एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व वह करेंगे। और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है बना हुआ, यानी कि छठा, ठीक है, छठी बार ये सबसे टॉप पर चल रहा है और छठी बार है फिनलैंड है वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है बन चुका है, और ये सीधा सीधा भी इसमें ईओआरओ एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, ये भी आपको याद रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, जो पिछले 2-3 दिनों की क्लास आई थी, कल मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डाल दी है। 19, 20 और 21 और 23 वाली भी पीडीएफ आज शाम को आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लगभग 10,400 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कोई भी लिंक है, कोई भी सूचना वगैरह है, वो सब आपको टेलीग्राम पर मिलता है। और हमारी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है भी, कोई भी विद्यार्थी आरएसएसएम भी कंप्यूटर संगणक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो इसमें राजस्थान प्लस इंडिया, राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है ना, उसमें ₹50 के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें पीडीएफ वगैरह भी आपको साथ में फ्री मिल रही है। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है वो सब आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है। और ये ऑल एग्जाम वाली भी, ये सूचना सहायक भर्ती वाली भी चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान करंट फतेह सीरीज वाली, ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, इसमें आपको राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड सब आपको एक फतेह सीरीज वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये एक हमारी पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इंडिया प्लस वर्ल्ड, पूरे साल यानी कि 2023 का पूरा करंट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। और जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है वो इसमें साथ में आपको वीकली क्लास है मिल रही है, पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है ₹50 के अंदर, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आप जरूर ज्वाइन करें। अब देखिए आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत के किस खिलाड़ी ने नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट में ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मुदित धानी ने। बहुत सारे विद्यार्थी ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, हाल ही में किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है?
बांग्लादेश, जापान, थाईलैंड, भारत, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो लगातार आपको क्लासे मिल रही है, और हमारे जो है आपको पता है दूसरे धीरे धीरे पुस्तक लेखिका की क्लास मिल रही है। आज आपको इसके अंदर आपको क्या है जितने भी ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल है ना भारत के अंदर उनकी क्लास आपको मिलेगी। और अब आपको करंट के तौर पर संगणक के लिए और सूचना सहायक भर्ती के लिए भी आपको यूट्यूब पर क्लास पे आपको इंडिया प्लस राजस्थान करंट की आपको क्लासें लगातार मिलेगी। तो आप जरूर ज्वाइन करें, आपको और चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शाम को अब आपको 8 बजे क्लासें लगातार आपको मिलेगी। तो 2-3 पिछले 3-4 दिनों से मैं आपके लिए क्लास नहीं लेकर आया, लेकिन दूसरे सर के द्वारा आपको क्लास करवाई गई थी बढ़िया तरीके से, क्योंकि क्लास आपको मिस नहीं होनी है, क्योंकि क्लास आपको लगातार कंटिन्यू मिलेगी, तब आपका साथ साथ में करंट भी तैयार है होता जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।